बात कर रहे थे टाइम और मैनेजमेंट की। ग्रुप टाइम मांगता है, मांगता है, देते हो, देते हो, कई बार मीटिंग कैंसिल भी हो जाती है। किस किस की अभी तक मीटिंग कैंसिल हुई है, ईमानदारी से आप खड़े करो, किसी भी कारण से। कुछ लोग हैं जैसे एग्जांपल, एक गांव में मीटिंग है, यहां 100 लोग आने वाले थे, 2 दिन पहले बारिश भी खतरनाक। ये लाइफलाइन ने कहा, सर अपन इस मीटिंग को बाद में कर लेते हैं, लोग आ नहीं पाएंगे जो मैं चाहता हूं। तो आप भी मन मन यही सोच रहे थे कैंसिल कर, बारिश बहुत है, मैं 50 किलोमीटर कार लेके आऊंगा तो मेरा तो पैसा लगे, लोग तेरे बैठे नहीं, तो उसको नहीं बोला। मन मन हमारा जो विचार चल रहा है वो क्या चलता है, हाँ बोले मैं तेरे को डायरेक्ट नहीं कह पाया पर मेरा भी विचार वही है। लेकिन इसमें कितने लोग आएंगे, बारिश ज्यादा है, लोग आते हैं और वो कहता है सर डिक्लेयर है धर्मशाला बूथ है, मैं संभाल लूंगा, अगली बार बड़ा प्रोग्राम करेंगे। कितने लोग आए होंगे इससे, किसी को आपको नहीं पता और आप गए नहीं, ज्यादातर लोग नहीं आते। जो मैं बताना चाहता था, आपको जाना चाहिए था कि जो 10 लोग बारिश में आए ना, ये एक्चुअल ये ही डायमंड है आंसर। काम के ही नहीं है जो नहीं आए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मेथड कमिटमेंट का बिजनेस है। ये 10 आए ये फ्यूचर के डायमंड है, और जिनको आपने छोड़ दिया ये पता नहीं आपकी कौन सी बात से कौन व्यक्ति प्रभावित हो जाता। और ज्यादातर कैंसल करते हैं आप, मतलब अगर किसी को समय दे दिया, मेरा जो कहने का मतलब नेटवर्क में किसी को प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी समय दे दिया, काउंसलिंग का समय दे दिया, किसी को यह भी कह दिया मैं आपसे मिलूंगा 2 दिन बाद नए प्लान के लिए, तो पहुंचना है, बारिश आए या तूफान आए। सेकंड कमिटमेंट, कई बार हम पैसों का कमिटमेंट कर लेते हैं, गलत भी कमिटमेंट हो गया तो नेटवर्क में होगा या तो सोच समझ के कर। जैसा मैं लगा ये व्यक्ति काम करने वाला है, इसको कुछ पैसे की हेल्प करनी है, हालांकि नेटवर्क में करनी नहीं चाहिए, और कभी करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए उस पर भी आज चर्चा करें, इनडायरेक्ट करनी चाहिए, डायरेक्ट में बिगड़ जाता है काम का। आपको लगा जैसे शुरू में जब हम ज्वाइनिंग करते थे ना, तो हमारे पास व्यक्ति आता था सर इसके पास 1100 रुपए 400 कम है, उसमें वार्निंग कर सकता हूँ, कहते अभी अपना आ रहा है ले 400 अपने मिला दे, हालांकि मिलाने नहीं चाहिए, जिन जिन के मिलाए एक भी नहीं है। लगता है अपने को कई बार हेल्प करना नेटवर्क में दुष्परिणाम है, डायरेक्ट की ना, उसने देखा सर ने दे दिए चार। अब मैं इसका माइनस पॉइंट बताता हूं क्या होता है। जैसा आपको लग रहा है अजीत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी शुरुआत और इन्होंने ज्वाइनिंग ली 2000 प्रोडक्ट ले ली, अब इनके पास 300 रुपए कम है, तो हमने 300 मिला दिए इनके सामने। अब इन्होंने कहा सर 5 दिन बाद दे दूंगा, क्योंकि इनके कहीं से आने वाले थे, ये मेरे प्रोस्पेक्ट है, अब जहां से इनके पैसे आने वाले थे आ नहीं पाए, अब ये आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे क्योंकि मैं जाऊंगा तो सर पैसे मांगेंगे। अब इनको 2 लोग मिले, नरेश जी मिले, नरेश जी ने कहा मैंने आरसीएम का नाम सुना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं और आपकी अप्लाइंस से मिलवाओ। अब ये सोच रहे एप्लाइन के पास ले जाऊं तो वो 300 रुपए ना मांग ले, और एप्लाइन ने ये सोचा मांगूंगा नहीं, पर इनके मन में तो विचार चल रहा है, तो इन्होंने पता नरेश जी को कह दे एप्लाइन अभी 5 दिन बाहर रहिए,
जब आएगी जब मिला, और 5 दिन में करेंगे सीखेंगे, और इनको तो करना था, कोई और मिल गया। तो इन्होंने एक नरेश जी जैसा बड़ा डायमंड खो दिया सिर्फ 300 के चक्कर में। तो पहली कोशिश करें, नेटवर्क में पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। हो तो इनडायरेक्ट कैसे हो, जैसे ये आरसीएम तेज गति से कर रहे हैं, इनकी बाइक में पेट्रोल नहीं है या इनके पास बाइक ही नहीं है, तो आपने क्या करा, अपनी बाइक भी दे दी और इनको 500 रुपए पेट्रोल के दे दिए। ये डायरेक्ट हेल्प हो गई, ये बिगड़ जाएंगे। और पता ना अपने को काम करने वाले थे, इनडायरेक्ट कैसे करो, अपनी बाइक पे एक आदमी भेजो कि आपको जो बिल्डिंग करनी है इनके साथ जाओ, उसको 500 रुपए दो, तू पेट्रोल डला देना। तो इनको ये पता है, जबकि इनडायरेक्ट क्या है, पेट्रोल भी हमारा है बाइक भी हमारी है, पर डायरेक्ट इनके हाथ से नहीं हुआ तो ये काम कर पाएंगे। डायरेक्ट टक्कर देनी शुरू कर दी तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये टीम को देना शुरू कर देंगे और एक दिन ये नेटवर्क खत्म हो जाए। मैंने नेटवर्क में बाइक नहीं कारें भी दे रखी है, और जिस जिसको दी एक ने भी काम नहीं, हालांकि मैं आज भी देता हूं, आज अलग सिस्टम से देता हूं। मैंने आरसीएम से भी 13वीं कार ली है, 21 साल के, और करंट में मेरे पास 3 कारें हमेशा रहती है, 3 रखता हूं मैं, एक मेरी पर्सनल, एक मेरे बेटे की सेपरेट है, और एक परिवार के लिए जिसमें मेरा पोता कोचिंग और स्कूल जाता है, या उसके दादी या माँ, 3 कारें। मेरी को कोई नहीं छेड़ता, मेरा ड्राइवर कल मेरे को छोड़ के गया या तो वो एयरपोर्ट छोड़ता है या स्टेशन, उसके बाद जाके साफ करके उस कार को कवर चढ़ा देता है। मैं अभी जो यूज करता हूँ XUV700 है मेरे पास ऑटोमेटिक, जिसमें कोई पैनल है, वो क्यों ढकता है मेरी कार को, कोई क्यों यूज नहीं करता, मेरे को सफाई बहुत पसंद है। और ये बच्चे बच्चे क्या है, ये थोड़ा सा उतना मेंटेन नहीं करते, तो उनको पता है फिर बोले गुस्सा करेंगे तो बोले इनकी कार को छूना ही नहीं। दूसरी कार है थार, जो अभी उसको मेरा बेटा यूज करता है, और तीसरी कार है मेरे पास ग्रेटर, जिसको मेरा पोता उसकी दादी उसकी माँ यूज करती है। उसके पहले मेरे पास वर्ना थी, सबसे पहले मैंने 800 ली। अब मैं इन कारों को कभी भी बेचता नहीं, फील्ड में देता हूं। देता कैसे हूं, मेरे को लग रहा है अजीत जी को अभी कार की जरूरत है पर इनके पास पैसा नहीं है, तो मैं इनको पूछता हूँ, अजीत जी आपको लग रहा है अभी बिना कार के काम नहीं चल पाएगा, बोले हाँ सर लग रहा है, आप उस लेवल पर नहीं, ये अगली बात है कि आपके कभी काम आएगी बात। सर लग तो रहा है, कितने पैसे अभी तुम्हारे पास, सर 2 लाख है, हालांकि 10 लाख। तो अजीत जी एक काम करो, तुम 2 लाख मेरे को दो और कार ले लो, ये कार ले लो, उसके बाद इस कार को 3 जगह चेक कराओ, एक तो शोरूम है, एक जो कारें बेचते हैं उनके पास, तीनों में रेट जो इतने की वैल्यू रखती है, कोई कहेगा जैसे 4 लाख, कोई कहेगा 4,25,000, कोई कहेगा 4,50,000, सबसे कम किसने बताई 4 लाख, उसमें 25,000 कम देना, मेरे 2 दे दिए, एग्जाम्पल है 2 दे दिए। अब जो बाकी देने कंडीशन नहीं है हर महीने देने, जब भी आपको लगे इस महीने कुछ पैसा सेव हो गया 10,000 जमा करो, 20,000 देखो, जब ये पूरा हो जाएगा 3 पीछों का उसने हिसाब किया, ऐसे करके सारी कार एक भी कार मैंने बाहर नहीं ली, और इसी तरह से बढ़ा, क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद नेटवर्क में दिखाना भी जरूरी है, वो आगे आए तो। तो टाइम और कमिटमेंट, अगर किसी से जैसा भी कर लिया है उसको क्या करना है, पूरा करना है, या तो करना नहीं था
और गलती से हो गया तो उसको पूरा